नरेंद्र मोदी जी के तरफ से बिहार बोर्ड वाले मैट्रिक स्टूडेंट के लिए नया नोटिस जारी किया गया है, जिसकी चर्चा हम करने वाले हैं। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो हम बाद में बताएंगे। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि आखिर नोटिस क्या है। इससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, आप इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं कि यह नोटिफिकेशन 15 अप्रैल का है, जो पीएम मोदी के तरफ से आया हुआ है। आप इसको पूरा जरूर सुने। तो देखिए क्या लिखा है। बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट 2020। पूरे देश में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाकर 3 मई कर दिया गया है, जिसकी वजह से बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा के रिजल्ट में देरी हो सकती है। पटना JNN। बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट 2020। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश के जनता को संबोधित कर ऐलान किया है कि 3 मई तक पूरे देश में अभी लॉकडाउन लागू रहेगा। पीएम मोदी के इस ऐलान के बाद यह कयास लगाया जा रहा है कि अब 3 मई को लॉकडाउन समाप्त होने के बाद ही बिहार बोर्ड के 10वीं का रिजल्ट आ सकता है। बता दें कि अभी कॉपियों का मूल्यांकन का कार्य पूरा नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से रिजल्ट में देरी संभव है। ठीक है, और देखिए आगे क्या लिखा गया है। आगे लिखा गया हुआ है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पिछले 21 दिनों से बिहार सहित पूरे देश में लॉकडाउन किया गया था, जिसकी अवधि में विस्तार देते हुए आज से 19 दिन तक इसका समय बढ़ा दिया गया है। बता दें कि पिछले वर्ष बिहार बोर्ड ने रिकॉर्ड कायम करते हुए 10वीं की परीक्षा का रिजल्ट 31 मार्च 2019 को ही जारी कर दिया था। हालांकि इस वर्ष बोर्ड ने 12वीं का रिजल्ट समय से पहले ही जारी कर दिया था। पता ही होगा आपको ये बात अच्छे से कि निकल चुका है, मगर 10वीं की परीक्षा की कॉपियां चेकिंग की प्रक्रिया बीच में रोक दिए जाने के कारण रिजल्ट में देरी हो रही है, रिजल्ट जारी करने में देरी हो रही है। ठीक है, और आगे क्या लिखा गया, आप इसको पूरा ध्यान से सुनिएगा कि मिली जानकारी के अनुसार लॉकडाउन की अवधि समाप्त होने के बाद बिहार कक्षा 10वीं परीक्षा 2020 के बीच हुई उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य यानी कि काम शुरू किया जाएगा। बता दें कि 25% उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करना अभी बाकी है, इसके बाद ही रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, और अगला देखिए क्या लिखा गया है कि बिहार बोर्ड की 10वीं का रिजल्ट जारी होने के बाद छात्रों को अपने रिजल्ट देखने के लिए बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट, जो आपको देख लीजिए इसमें लिखा गया है, पर जाना होगा। फिर होम पेज में रिजल्ट पर क्लिक करना होगा। ठीक है, इसके बाद एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा। वो यहां रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर सबमिट करने से आपको अपना रिजल्ट दिख जाएगा। तो दोस्तों, खुशखबरी यह है कि जो बच्चा दिन रात जाकर मेहनत किया है उसका अच्छा मार्क्स तो आएगा ही, और वह बच्चा जो पढ़ाई कम और खेल कूद ज़्यादा किए हैं उसे भी अच्छे मार्क्स आने की पूरी संभावना है, क्योंकि कोरोना वायरस के बंदी और रिजल्ट के जल्दी निकालने के प्रेशर के कारण इस बार ग्रेस मार्क्स मिलने की पूरी गारंटी है। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है या फिर रिजल्ट लिंक सबसे पहले पाने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप सबसे पहले रिजल्ट जान सकें।